अरे सर, आप मुझे कोई बता रहा था आपकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आप शायद आज ऑफिस नहीं आएंगे। लगता है आप रोज ऑफिस आकर सबसे पहले मेरा शेड्यूल चेक करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं सर, लेकिन क्या हुआ, मतलब आर यू ऑल राइट? मिस्टर चौहान, बीमारी और मौत अचानक ही आती। कल रात आप 10-10:30 बजे कहां थे? मैं तो अपने घर पे था सर। वो क्या है, मेरी बेटी ससुराल से काफी दिनों बाद घर पे आई थी, तो हम बस बातें बातें कर रहे थे। बेटी? आपने कभी बताया नहीं मिस्टर चौहान कि आपकी कोई बेटी और उनकी शादी हो चुकी है। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि सर कभी जिक्र नहीं हुआ ना। वैसे कानपुर के लोग हैं, काफी शरीफ और समझदार लोग हैं, उनके घर भाई है मेरे, ये इसी शहर में रहती। पता नहीं क्यों मिस्टर चौहान, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी बेटी से कहीं मिल चुका हूं। उनकी शक्ल आप ही पर गई है ना? बेटी जो ठहरी, लेकिन उनकी आंखें आपसे नहीं मिलती। शायद उनकी मां पर गई होंगी। अब क्या है, हम दोनों की औलाद है तो कुछ मां पे गई होगी कुछ। मिस्टर चौहान, ये जो आपकी नीली आंखें हैं ना, इंसान इन्हें एक बार देख ले अगर तो कभी भूल नहीं पाएगा। कहते हैं इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। मिस्टर चौहान, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट सर, थैंक यू। भगवान ने इतनी अच्छी सुंदर शक्ल दी है, छुपाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। क्या बुआ जी, आप भी वैसे आज आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि आप हमारी बुआ जी हैं। राधा, मैं तो हमेशा ऐसी रहती हूँ, तू तो जानती है ना। अगर मैं बंठन के ना बैठू ना तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है, कसम से। राधा, मुझे एक बात बता, कुणाल के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? कि पहचान तो बुरे वक्त में होती, और भगवान से मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि कभी किसी को वो बुरा वक्त ना दिखाए। और इतनी जल्दी किसी के भी बारे में कुछ कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इस वक्त कुछ भी कहा नहीं जा सकता। राधा, वो कहते हैं ना, संगत का असर होता है। अब देख, जब से तू इस घर में आई है, तेरे साथ रहकर मैं कितनी बदल गई हूँ। और अगर कुणाल में थोड़ी बहुत बुराई होगी भी तो हम दोनों इसे मिलकर सुधार लेंगे, क्या बोलती है? जी बुआ जी, चलिए अब देर हो रही है। हाँ चलो चलो चलो। किससे मिलना है आपको? अपॉइंटमेंट लिया आपने मेरे सेक्रेटरी से? नहीं नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। जाइए जाइए, अभी जाकर अपॉइंटमेंट लेकर आइए। बिना अपॉइंटमेंट के मैं किसी से नहीं मिलती। अच्छा, मुझसे भी नहीं? जी नहीं,
किसी से भी नहीं. After all, I'm so busy, you see. Oh yeah, I see. तो आप इतनी बिजी हैं कि आपके पास आपके कुनाल से भी मिलने के लिए वक्त नहीं है. कुनाल, तुम्हारे लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है. वैसे कुनाल, तुम ये सब मैनेज कैसे करते हो? I mean like सिर्फ दो मिनट यहाँ तुम्हारी चेयर पे बैठने के बाद मुझे तुम्हारे रुतबे का एहसास हुआ. ये फाइल्स, रोज नई मीटिंग्स, नई डीलिंग्स, नए लोग, तुम ये सब मैनेज कैसे करते हो? तारा, मैंने ऐसे जिंदगी के बारे में कभी नहीं सोचा था. सपने देखे थे कि शहर की भीड़ से दूर मेरा एक घर होगा, जहां जिंदगी पर मेरा अपना बस होगा. बस और कुछ नहीं चाहा था मैंने. अपना ये सपना तो तुम अभी पूरा कर सकते हो. अभी भी देर नहीं हुई है कुनाल. देर हो गई है तारा. मेरा कहने का मतलब है कि यूं ही बातें करती रही तो देर हो जाएगी. तुम्हारे घर वालों को घर पर डिनर पे बुलाया है, याद है ना? तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि देर मेरी वजह से हो रही है? Of course. By the way, हम ऑफिस तुम्हारे काम के लिए आए थे. और तुम यहाँ किस काम से आए थे? किसी की आंखें पहचानने आया था, देखने आया था कहीं वो आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही. कल रात 10 बजे उसके साथ क्या हुआ था? पर कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसका ऑफिस तक आना और वो भी मेरे केबिन तक, मेरी आंखों के बारे में इतना क्यों बोल रहा था वो? कहीं उसे मुझ पे शक तो नहीं हो गया है? अगर कुणाल को मेरे प्लान की भनक भी लग गई तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा. पर देवयानी से तो कुणाल की कोई मुलाकात ही नहीं हुई, फिर वो देवयानी के बारे में कैसे जानता? मैं इस कुणाल कपूर को जितना भी जानने की कोशिश कर रहा हूं वो मेरे लिए पहेली ही बनता जा रहा है. मुझे देवयानी को चौकस करना ही होगा. मुझे देवयानी को अलर्ट करना ही होगा. अब यहां तक पहुंचने के बाद हमारी कोई भी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है. हेलो, कौन? हाँ, मैं बोल रहा हूँ. कैसे हो बेटी? अरे डैड, मैं ठीक हूँ. आप बताइए, आप कैसे हैं? और आपकी जॉब का क्या हुआ? आज से मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया. That's good, Dad. Congratulations. अच्छा, सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हम पे नजर रख रहा है. एक बात का ख्याल रहे कि हम दोनों इस शहर में हैं, इस बात को किसी को पता नहीं लगना चाहिए. Don't worry, Dad. आप मेरी तरफ से तो बेफिक्र रहिए. ये राज वक्त आने से पहले कभी नहीं खुलेगा. और एक बात Dad, मुझे पूरा तो नहीं मालूम है, बट आई एम श्योर कि मैम ने राधा से आपके बारे में कुछ बात की. मैम ने राधा को आपके बारे में कुछ न कुछ तो बताया ही है. देखो बेटा, हमारा राज किसी भी हालत में खुलना नहीं चाहिए. तुम राधा पे नजर रखो. क्या है, वक्त इस वक्त हमें फेवर नहीं कर रहा है. डोंट वरी दैट, आज नहीं तो कल वक्त जरूर हमारा होगा. बाय बाय.
निभाना ना आए उसे वादा करने का कोई हक नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने कुनाल, जो वादा करके मुकर जाते हैं मुझे उन लोगों से परमानेंटली टेंशन हो जाती है, कसम से। बुआ जी बाकी घर वाले कहाँ हैं? मैंने तो सबको इनवाइट किया था, तारा के बड़े भाई, उनकी बड़ी भाभी, वो सब कहाँ हैं? वो क्या है ना कुनाल, देवयानी और रवि किसी बिजनेस मीटिंग में फंस गए हैं और अजय बिजनेस टूर पे बैंगलोर गया है, भैया भाभी गांव में हैं, बचे हम दो और ऑब्वियसली तारा। सो हम आ गए। प्लीज कम इन। आप और कितनी देर तक काम करने वाले हैं? आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं। तो कॉफी ले आऊं? नहीं। कम से कम एक ग्लास गरम दूध ही पी लीजिए, आज आपने खाना भी नहीं खाया, कुछ तो ले लीजिए प्लीज। आप क्यों इस तरह से अपने आप को? घर में जहर है। नहीं है तो बाजार से ले आओ, उसे दूध में डालकर पी लो, मेरी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। संजय तुम चाहते क्या हो मुझसे? क्यों तुम इस तरह मेरे पीछे पड़ी हो? देखो मेरी जिंदगी में कोई भी दखल दे ये बात मुझे पसंद है। मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? पर अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं खुद मांग लूंगा, ठीक है जी? मैं तो बस यूं ही। बस मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, मैं तंग आ गया तुम्हारे सो कॉल्ड इंडियन संस्कारों से। तो ये लड़कियां कितनी अजीब होती हो ना, जिससे शादी हो गई बस के कंधे में बैठ जाती हो, एक आदमी को चैन से काम भी नहीं करने देते। ये मेरे और राधा की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। वो इसके क्या जरूरत है? अरे जब तुम हमारे घर पे पहली बार आए थे सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आए थे ना, अब हम तुम्हारे घर पे पहली बार आए इसलिए ना, कम ऑन चलो ले लो ये। अच्छा ठीक है। लेकिन प्लीज बैठिए ना, प्लीज बी कंफर्टेबल, अपना ही घर समझिए। रघु जी साहब खाना बन गया तैयार है सब लगा। मैं रघु की किचन में हेल्प करती हूँ, बुआ मैं अभी आती हूँ, आप बैठिए। वैसे कुनाल तुमने अपना घर बड़ा अच्छा मेंटेन किया है। घर तो घर में रहने वाले लोगों से बनता है हुआ, ये तो सिर्फ एक मकान है, यहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ। अभी इस मकान को घर बनाने वाली आनी बाकी है। घर तो घर होता है कुनाल, वक्त के साथ घर को संभालने वाली भी आ जाएगी। वैसे तारा तुम्हारी घर की तारीफ बहुत करती है। पूरा घर बिल्कुल उसी तरह सजा है जैसे मैंने और करण ने मिलकर अपना नागपुर का घर सजाया था। आप इतनी खामोश क्यों हैं? कुछ बात नहीं कर रही हैं? वो क्या है ना, आज बैंगलोर से अजय का फोन आने वाला था और ये हमारे साथ यहाँ आ गई, इसलिए थोड़ा सा। वैसे
आपकी अजय से मुलाकात कहाँ हुई? I mean, आप लोग कहाँ मिले? जी, कनाल, जोड़ियाँ तो ऊपर से बनती हैं। हम तो यहाँ से रिश्ते जोड़ते हैं। वैसे अजय और राधा की जोड़ी तो बहुत अच्छी है। पता है? घरवाले कहते हैं कि अजय बहुत खुशनसीब है कि उसे राधा जैसी पत्नी मिली। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि राधा बहुत खुशनसीब है कि उसे वो क्या कहते हैं मेड फॉर इच अदर। बुआ जी मैं तारा के साथ खाना ला पाती हूँ। सच्ची बहुत शर्मिली है। वैसे कुणाल अब तुम्हारा हाथ कैसा है? कल से बेहतर है।